आखिरकार कछुए यहाँ पहुंच गए। हजारों समुद्र तट पर रेंग रहे हैं। ऋषिकुल्या अगले 8 से 10 दिनों के लिए भारत के सबसे बड़े सामूहिक घोंसलों वाले स्थान में बदल जाएगा। ओडिशा में गहिरमाथा और ऋषिकुल्या के तटों पर हर साल जनवरी से मार्च तक के महीनों में अंडे देने के लिए हजारों मादा ऑलिव रिडली कछुए जमा होते हैं। इस पैमाने पर अरीबाड़ा या सामूहिक घोंसले बनाना केवल ऑलिव रिडलियों में देखा जाता है, जो दुनिया के सबसे छोटे और सबसे आम समुद्री कछुए हैं। मादा रिडली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सहारे उस समुद्र तट को खोजती है जहां वो पैदा हुई थी, ताकि वो अपने अंडे वहां दे सके। लेकिन कछुओं के लिए आपसी तालमेल वाला सामूहिक अंडे देने का ये आयोजन आसान नहीं है। हर कोने पर खतरा मंडराता है। अनेक अंडे बाद में आने वाली मादा रिडलियों द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जबकि बाकी को शिकारी जीवों और अवैध शिकारियों से खतरा रहता है। ऑलिव रिडली नवंबर से अरीबाड़ा की तैयारियां शुरू कर देते हैं। रिडली समुद्र तटों पर घोंसला बनाते हैं, लेकिन प्रजनन कहीं भी हो सकता है। प्रजनन जोड़ों को ओडिशा तट पर घोंसलों के स्थानों के पास एक साथ तैरते देखा गया है, लेकिन कई बार जोड़े खुले समुद्र में सबसे समीप के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर भी पाए गए हैं। नर कछुओं का खुले समुद्र में प्रजनन के लिए अनुकूलन हुआ है। लंबी मोटी पूंछ और उनके सामने के फ्लिपर्स के बढ़े हुए हुक के आकार के पंजे मादा के गोल खोल को पकड़ने में उनकी मदद करते हैं। गहिरमाथा और ऋषिकुल्या के अलावा भारत में अनगिनत समुद्र तटों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रिडली कछुए घोंसले बनाते हैं। अंडे देने के लिए रात का समय सही है। अंधेरे का फायदा उठाकर ये मादा ऑलिव रिडली आंध्र प्रदेश के व्यस्त नगर विशाखापट्टनम के पास तट पर आ गई है। समुद्र तट समतल, चौड़ा और मलबे से लगभग मुक्त है, जो घोंसले के लिए बड़ा उपयुक्त है। अपने पिछले फ्लिपर्स की मदद से वो रेत में एक संकरा गड्ढा खोदती है। 1.5 फुट गहरा शंकु आकार का घोंसला लगभग 100 पूर्ण गोलाकार के अंडों से भर जाता है। वो अंडों को सेने और सुरक्षित रखने के लिए गड्ढे को रेत से ढक देती है। ऑलिव रिडली समुद्री कछुए मनुष्य की गतिविधियों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। वे मछली पकड़ने की कुप्रथाओं और घोंसले बनाने लायक बीचों का बंदरगाहों या पर्यटन के लिए इस्तेमाल की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित है।
रिडलियों का उनके मांस, खोल, चमड़े और अंडों के लिए भी बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। वयस्क कछुओं के लिए सबसे घातक खतरों में से है किसी मछली पकड़ने के जाल में फंस जाना। लेकिन अभी भी आशा है। अंडों की सुरक्षा के लिए कई संगठन और वन विभाग एक साथ आगे आए हैं। अक्सर अंडों को हैचरी में सेने के लिए रेत में दबाया जाता है और एक नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। अंडों से बाहर आते ही इन नन्हे कछुओं को समुद्र तट पर छोड़ दिया जाता है। उनकी नजर धुंधली हो सकती है, लेकिन उनके पास गंवाने का समय नहीं है। अपने छोटे छोटे फ्लिपर्स के सहारे इन्हें आगे ही बढ़ते रहना पड़ेगा। नर अपना पूरा जीवन पानी में ही बिताएंगे, जबकि मादाएं जिंदा रही तो घोंसले बनाने लौट आएंगी।